75 डेज हार्ड चैलेंज डे 27 शुरुआत हो जाती है 5 बजे वॉक करने से नहीं रनिंग करने से, क्योंकि रॉनी मिल जाता है तो हम थोड़ा दौड़ा लेते हैं उसे। फिर हमारी 5 किलोमीटर वाली वॉक कंप्लीट करते हैं और कर लेते हैं एक्सरसाइज, जिसमें हम सबसे पहले वार्म अप करते हैं, नेक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, जंप, अल्टरनेट टो टच और साथ ही साथ स्क्वाट्स प्लैंक करते हैं। डंबल्स नहीं उठाते क्योंकि डंबल्स तो हम इवनिंग में उठाते हैं। और सडनली पीछे से लोगों की इतनी आवाज आ रही थी, फिर देखा ना तो उन लोगों की तो ट्रेनिंग चल रही थी। फिर हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके इतने शानदार व्यू को देखते हैं। यहाँ तालाब में हमेशा ब्लैक कलर की मछलियाँ होती है, बट ये कहाँ से आ गई? तो इन्हें कैप्चर करके हम चले जाते हैं मंदिर की ओर, दर्शन करके हम घर आ जाते हैं और स्टार्ट हो जाता है हमारा काम, जिसमें दी बनाती है सब्जी और मैं बनाती हूँ रोटी, और फिर गर्मा गर्म दूध और बादाम ले लेते हैं। उसके बाद श्रेया चली जाती है स्कूल। श्रेया के घर आने के बाद हमें थोड़ा मार्केट का काम रहता है तो हम वो निपटा लेते हैं। फिर लंच के समय पर हम लंच कर लेते हैं और ये है हमारी आज की सेल्फी। ट्यूशन पढ़ाने के बाद डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं और भैया को स्टेशन लेने जाना था तो हम लेके आ जाते हैं घर। ये सब करने के बाद हमें भूख तो बहुत लग रही थी बट वर्कआउट करना बाकी था, तो पहले हम वर्कआउट करते हैं, जिसमें हम वही एक्सरसाइज करते हैं जो हमने मॉर्निंग में की होती है, पर साथ ही साथ हम डंबल्स भी उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा दिन का दूसरा वर्कआउट कम्प्लीट होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम कर लेते हैं बुक वाला टास्क कम्प्लीट। और जैसे ही बुक रीडिंग वाला टास्क कंप्लीट होता है ना, हम फटाफट से डिनर कर लेते क्योंकि आज भूख बहुत ही ज्यादा लगी थी। फिर करते हैं फेवरेट काम, यानी कि डे चार्ट पर क्रॉस लगाना। तो इस तरह से 75 डेज हार्ड चैलेंज के डे 27 के सारे टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब बचते हमारे 48 डेज, और अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू।